नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आज आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो रही है, तो आप लिखें यूनिट नंबर 4 जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ये आपके लिए नई बात नहीं है, आप इसे पढ़ चुके हैं 12th क्लास में भी। ठीक है जी, तो पहली हेडिंग भी आप यही लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, पहली हेडिंग भी आपकी यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी। आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से इसकी, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, देखो पढ़ा है आपने, इस तरीके से होती हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है ये तो मान लो कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इसे कहते हैं तरंग संचरण की दिशा, यानी तरंग के चलने की दिशा जिस ओर वेव प्रोपोगेट हो रही है, चल रही है, और इस एक्सिस पर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, इस एक्सिस पर है मान लो, है ना, जेड एक्सिस पर कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तो इस टाइप की वेव जिसमें एक एक्सिस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्सिस पर बाहर की तरफ है, ये है ना, 3D है तो इधर ही दिखाना पड़ेगा, और जो दूसरी एक्सिस है जेड एक्सिस उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी, यानी ऐसी वेव जिसमें एक एक्सिस के अलोंग तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी एक्सिस के अलोंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और दोनों ऐसे चल रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों इस तरीके से चल रही है ना, तो इसका मतलब है वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों ही डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी, ऐसी वेव क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है, तो इसका मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, ठीक है जी, यानी वह तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा ये दोनों भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक है जी, तो आप इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए, क्या कहेंगे, द वेव्स, ठीक है जी, इन विच, जिस जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है वो दोनों के कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, तो कोमा लगा लिख देना, क्या आएगा, आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस वेव को ही, इन वेव्स को ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये दोनों फील्ड्स जो हैं एक दूसरे को फेवर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को फेवर करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को फेवर करता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता है। ठीक है जी, और दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी, तो आपने ये बात तो पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है, पढ़ा था ना बायो सावर्ट लॉ में, और फैराडे के लॉ में आपने ये भी पढ़ा कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को फेवर करता है,
तो दोनों एक दूसरे का फेवर करते हैं। तो ऐसी वेव जिसमें ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और दोनों डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हों, ऐसी वेव क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है जी, तरंगे। तो मैंने लैंग्वेज इसकी बोल दी है, आप बस इसका लैंग्वेज के बाद इसका डायग्राम बना लीजिए और अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसके विशेष गुण पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में हेडिंग को क्या कहेंगे? गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, ये आप कह सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। ठीक है जी, हाँ एक काम और करो, ये प्रोड्यूस कैसे होती है वो और सुन लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होती है ना, उनकी प्रोडक्शन का जो फंडामेंटल सोर्स है, मूल स्रोत जो है उनकी उत्पत्ति का, वो है आपका एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, कौन है? एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है जी, हिंदी में कहेंगे त्वरित आवेश। क्या कहेंगे? त्वरित आवेश। देखो आपको पता है एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो एक्सेलरेटेड चार्ज से, है ना, यानी एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो उससे क्या हो जाता है भाई, चार्ज है एक्सेलरेटेड तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। आपको याद है ना, एफ बराबर होता था क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना, एफ बराबर क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज क्या है, कैसा है? मोशन में है, वेलोसिटी है उसके अंदर कुछ, है ना, एक्सेलरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है ना प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब है एक्सेलरेटेड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है ना, आपने पढ़ा है ना फैराडे के लॉ में, मैग्नेटिक फील्ड किसे प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी, तो एक लाइन और इसमें आप लिख लेना कि द फंडामेंटल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एक्सेलरेटेड चार्ज, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है? त्वरित आवेश है। ठीक है जी, तो मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, तो इसमें आप लिख देना देर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं, निम्नलिखित गुण हैं। ठीक है जी, तो निम्नलिखित गुण कैसे होंगे? तो पहला पॉइंट है कि इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मीडियम के चलती हैं। ठीक है जी, तो मीडियम की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए, है ना, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बिना किसी मीडियम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल सकती हैं, ये बात आपको पहले से ही पता होगी। बिना किसी माध्यम के ही विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, है ना, यानी चाहे मीडियम ना हो, यानी कि अब मीडियम कहाँ नहीं है, तो मीडियम तो फ्री स्पेस में नहीं है, जिसे आप क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, तो अंतरिक्ष में मीडियम नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये फ्री स्पेस में चल सकती हैं, जिसे आप हिंदी में अंतरिक्ष कह सकते हो। वैक्यूम में चल सकती है, जिसे आप निर्वात कहते हो, भाई निर्वात में भी वायु ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मीडियम है ही नहीं। और ये एयर में भी चलती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज रेज, है ना, आप ऐसे लिखेंगे नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम आवश्यक नहीं है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन, बल्कि फॉर द प्रोपोगेशन, संचरण के लिए, तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपोगेशन के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपोगेशन के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, यानी ये वेव्स बिना किसी मीडियम के ही चल सकती हैं, तो है ना, ठीक है, यानी ये तरंगे बिना किसी माध्यम के ही चल सकती हैं। तो आप फिर एक लाइन, है ना, एक तो ये लिखना सेंटेंस और एक सेंटेंस ये लिख लेना, इट मीन्स दैट दे कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। ठीक
ठीक है, या बल्कि एयर की यहाँ आवश्यकता नहीं है जब हम कह रहे हैं बिना मीडियम के चलती हैं ये, तो इसका मतलब है दे कैन ट्रेवल, ये है ना, क्या कर सकती हैं, गति कर सकती हैं, संचरण कर सकती हैं इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कि कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है जी, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है ना, इनके संचरण के लिए, इनके चलने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, पहला मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बोल दिया है, आप इसे अपने तरीके से लिख लीजिएगा। आइए दूसरा पॉइंट क्या है, देखो एक बात सुनो इसके बारे में भाई, यहाँ से देखा गया कि इनकी जो स्पीड है वो उतनी ही है इन वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड उतनी ही है जितनी लाइट की स्पीड होती है, लाइट वेव्स की स्पीड होती है, प्रकाश के तरंगों की गति होती है उतनी ही इनकी है स्पीड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि इन वेव्स की जो स्पीड है वो तो उतनी ही है जितनी लाइट की वेव्स की स्पीड है। इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये विद्युत चुंबक के तरंगे कोई और प्रकार की विशेष तरंगे नहीं है, बल्कि ये कौन सी तरंगे हैं, बल्कि ये आपकी लाइट वेव्स ही हैं। ठीक है, इसका मतलब है लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जाम्पल कौन है, लाइट वेव्स, ऐसे कह लो, या ऐसे कह लो कि लाइट वेव्स वास्तव में कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि तभी तो उनकी स्पीड सेम आ रही है। तो इसका मतलब है आप ये लिखेंगे द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स, क्लियर है। दैट इज क्या मतलब है इसका, दैट इज हाँ, या फुल स्टॉप के बाद लिख लो द एंड द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो ये होती है, ये आपको याद होगा फॉर्मूला, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज सी बराबर 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, जिसे आप चुंबकशीलता कहते हैं हिंदी में, निर्वात वायु की चुंबकशीलता, और ये है निर्वात वायु की वैद्युतशीलता, जिसे आप कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है जी, और ये सी की वैल्यू किसके बराबर आती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है जी। तो ये आपका क्या आया है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, इसे आप लिख लेंगे, हिंदी में सुन लीजिएगा इस पॉइंट को, आप ऐसे कहेंगे कि इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति या चाल या वेग, जो भी आप कहें, प्रकाश की तरंगों के बराबर होता है, वेग कहेंगे तो वेग होता है ना, और प्रकाश की तरंगों का वेग कितना होता है, प्रकाश की तरंगों का वेग सी बराबर इतने बराबर इतने होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, ये जो है ना वेव्स, वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में। ठीक है, नेचर में कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स, ठीक है, कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है जी, और अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे होती हैं, ये वाली है ना, ट्रांसवर्स वेव्स, यानी इसमें ट्रांसवर्स वेव में क्या है, जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है ना, वो ऐसे ऐसे हैं मीडियम के पार्टिकल्स की, और ये तरंग जो है, वेव जो है, वो ऐसे चल रही है आगे की तरफ, तो वाइब्रेशन, कंपन और संचरण, तरंग का चलना, वेव का प्रोपोगेशन, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसी वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। ये आपने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, वेव मोशन वाली यूनिट में, और बाकी नहीं तो ये 11th क्लास में भी है कॉन्सेप्ट, है ना, वेव्स का पोर्शन है सेकंड बुक में NCERT की, जो 11th का सेकंड पार्ट था। ठीक है जी, तो अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे चलती हैं, और यही क्या है, लाइट वेव्स है, और ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर कैसी है, भाई नेचर में तो दो प्रकार की हैं तरंगे, प्रोपोगेशन के आधार पर, संचरण के आधार पर, चलने के आधार पर, एक तो होती है लॉन्ग, ये ट्रांसवर्स वेव, जिसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते हैं प्रोपोगेशन के, संचरण के, है ना, और एक होती है इस तरीके से, चल भी ऐसी रही है और वाइब्रेशन भी ऐसे ही हो रहे हैं, दोनों के डायरेक्शन सेम है, वाइब्रेशन भी ऐसे ही है पार्टिकल्स के, और ये चल भी ऐसे रही है,
तो प्रोपोगेशन और वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अलोंग है, तो ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसे आप अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है जी, तो ये वो मैंने बताया। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये नेचर में कैसी हैं, ट्रांसवर्स हैं, प्रकृति में ये अनुप्रस्थ हैं। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांस, है ना, आर ट्रांसवर्स इन नेचर। नेचर में कैसी हैं, ट्रांसवर्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक वेक्टर्स, है ना, विद्युत सदिश, चुंबकीय सदिश, ये कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, ये ऐसे वाइब्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, ये ऐसे वाइब्रेशन करेंगे, है ना, मैग्नेटिक वेक्टर्स। और चल आगे को रही है, तो जो वाइब्रेशन है वो प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, तो दोनों ही प्रकार के वाइब्रेशन इसके प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के तो परपेंडिकुलर है ना। तो यही वाली बात क्या है कि ये कैसी है नेचर में, ट्रांसवर्स है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दैट मीन्स, है ना, या दैट इज, जो भी आप लिखना चाहो, दैट इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, क्लियर है। तो इस टाइप की वेव क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव, जिसमें दोनों परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो ये बात आप लिख देंगे, हिंदी में क्या कहेंगे कि वैद्युत चुंबक के तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं, अर्थात इनमें वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबक के क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट था ये, आइए फोर्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखो ये ट्रांसवर्स हैं नेचर में, ये बात तो मैंने आपको बता दी। साथ में एक बात और है कि जब ये चलती है ना तो अपने साथ मोमेंटम को भी लेके चलती हैं, एनर्जी को भी लेके चलती हैं, है ना। यानी जब कोई वेव चलती है तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों को लेके चलती है, मोमेंटम यानी संवेग और एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो आप इसमें सेंटेंस लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बल्कि ऐसे सेंटेंस लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ तो मैंने क्या बताया, प्रोपोगेशन करती हैं मोमेंटम और एनर्जी के साथ। ठीक है जी, तो आप इसमें लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट, है ना, विद एनर्जी एंड मोमेंटम, सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा। तो यानी एनर्जी यानी ऊर्जा, मोमेंटम यानी संवेग, दोनों के साथ चलती हैं। यानी जब कोई वेव चल रही है ना तो साथ में एनर्जी भी लेकर चलेगी और साथ में मोमेंटम भी लेकर चलेगी। ठीक है जी, क्लियर है। तो सेंटेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट, है ना, विद एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया फोर्थ, एनर्जी और मोमेंटम के साथ ये चलती हैं, साथ में लेके चलती हैं इन्हें। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट देखो इस तरीके से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेम नहीं रहते, कॉन्स्टेंट नहीं रहते, बल्कि ये टाइम के साथ साथ वैरी करते हैं। ठीक है जी, टाइम के साथ साथ वैरी करते हैं, ये समय के साथ साथ बदलते हैं। तो आप लिखेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी ए आर वाई, वेरी माने परिवर्तित होना, चेंज होना, वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एक बात है, दोनों साथ साथ रहते हैं, है ना, कितनी बड़ी बात है, साथ साथ रहते हैं। कैसे साथ रहते हैं, तो साथ साथ मतलब एक सीध में, एक फेज में, देख लो आप, दोनों साथ हैं ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब देखो ऐसे तो चल रहे हैं दोनों साथ साथ, आगे चलें पीछे चलें कहीं भी चलें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आगे चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे छूट गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चला गया, मैग्नेटिक फील्ड पीछे छूट गया, नहीं, है ना। देखो यहाँ से सीखने को मिलता है हम लोगों को, कि यहाँ से सीखने को क्या मिलता है, साथ रहना चाहिए, है ना, साथ छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब क्या है, सेम फेज में हैं, सेम फेज यानी समान कला में हैं, क्लियर है। तो ये सेम फेज में रहते हैं, समान कला में रहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और एक बात मैंने बताई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ये मैग्नेटिक फील्ड के जो वैक्टर्स हैं वो टाइम के साथ साथ वैरी करते हैं। तो इसमें सेंटेंस आप लिखो पाँचवें में कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड
वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रिमेनिंग इन सेम फेज, सेम फेज में रहकर, वेरी तो करते हैं लेकिन सेम फेज में रहकर, तो रिमेनिंग इन सेम फेज में रहकर, ठीक है जी। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में आप कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के साथ समान कला में रहकर समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है जी, समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। कर लोगे इस पॉइंट को भी, यानी ये वैरी करते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात मैंने कौन सी बताई कि किस में रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं दोनों, ठीक है जी, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है जी। चलो छठे पॉइंट पे चलते हैं, पांच पॉइंट हो गए, छठा, हाँ छठा देखो ये पॉइंट है, ई अपोन बी जो है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ में, ई अपोन बी सी के बराबर होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण है विद्युत क्षेत्र सदिश का, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है चुंबकीय क्षेत्र सदिश उसका परिमाण है यानी उसका मैग्नीट्यूड है। तो दोनों का रेशो जो है, दोनों का जो अनुपात है, दोनों का जो रेशो है, दोनों का जो अनुपात है वो सी के बराबर है, और सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, तो इसके बराबर होता है, ठीक है जी। तो आप कहेंगे द मैग्नीट्यूड्स, बल्कि ऐसे देखना, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है जी, समझ गए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द रेशो ऑफ, रेशो है ना, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक, द रेशो, रेशो भी किसका है, मैग्नीट्यूड्स का, तो द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक के तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश के परिमाण तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश के परिमाण है ना का अनुपात नियतांक होता है या नियत रहता है, इस नियतांक को प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कहते हैं, ठीक है जी। तो अर्थात करके ये लिख देंगे आप, तो छठा पॉइंट आपको समझ में आया, एक दो पॉइंट और लिख लें, देखो सातवां पॉइंट, यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर बराबर बटी रहती है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी, किसमें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिख देंगे द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है वो इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। यानी हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित होती है, समान रूप से बटी होती है, ठीक है जी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, दोनों में समान रूप से वितरित रहेगी, बटी रहेगी। और आपका आठवां पॉइंट, जो एनर्जी है मैंने बताया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे, ठीक है, तो आप याद रखेंगे, चलो इधर को देख लो आठवां पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप याद रखियो, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है जी। और जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगा यू एम, एम फॉर मैग्नेटिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक, चुंबकीय और वैद्युत, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व, ये होता है बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है जी। एनर्जी डेंसिटी को यू से डिनोट करते हैं, ऊर्जा घनत्व को, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है तो यू ई और मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो यू एम, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, निर्वात या वायु की
वैद्युतशीलता। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है। विद्युत क्षेत्र सदिश का परिमाण, ठीक है जी। यूएम एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, ठीक है, परिमाण चुंबकीय क्षेत्र सदिश का। और म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। क्लियर है? और देखो ये दोनों क्या है, एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इसलिए टोटल जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो आधी आधी बटी है ना, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड में बटी है। देखो ये कहा तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी है या एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दो ही तो हैं, दो दो में इक्वल इक्वल बांटोगे तो आधा आधा ही बटेगा। तो इसका मतलब यूई प्लस यूएम जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ लिख देना देन टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, यहाँ पे। और फिर ये फॉर्मूला लिखना और आप यूई की वैल्यू रख लो और इसकी भी रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला गया, टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला गया, ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और हाँ एक बात और याद रखें, प्रूफ भी कराऊंगा इन्हें बाद में, यूई बराबर यूएम होता है। सो यदि आप यूई की जगह, बल्कि यूएम की जगह यूई रखें तो यू बराबर किसका आएगा? टू यूई। और यूई बराबर यूएम है तो यू किसके बराबर आ जाएगा? टू यूएम के। भाई इस यूई की जगह हमने यूएम रख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यू जो है टोटल एनर्जी डेंसिटी वो टू यूएम के बराबर है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का डबल के बराबर है, ठीक है। इनके हिंदी नाम मैंने बोल रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बोलूँ तो आप समझ जाना मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा घनत्व, ठीक है जी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की कैसी है, डबल है। टोटल एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की कैसी है, डबल है। तो दोनों एक दूसरे के इस तरीके से दो फॉर्मूले आपको ये मिले, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और टोटल एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और टोटल एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन। और एक बात और आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के। और बाकी ये तो है ही, टोटल है तो दोनों का सम हो जाएगा, तो यू बराबर हो जाएगा यूई प्लस यूएम। यूई का फॉर्मूला आपका ये हो गया, एनर्जी डेंसिटी मैंने करा रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब करा दी है, बाकी इनका प्रूफ भी हम करेंगे। और ये एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और देखो ये दोनों कोई नई नहीं है आपके लिए, इसका डेरिवेशन था, है ना, याद करो, इसका डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ और इसका भी डेरिवेशन करा चुका हूँ, तो दोनों के डेरिवेशन भी मैंने कराए हैं आपको। बस यहाँ पर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आवश्यक है, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की भी आवश्यक है, तो इसलिए मैंने दोनों को करा दिया है। इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर इस तरीके से ये आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये मैंने आपको कराए, ठीक है जी। तो बाकी टेलीग्राम चैनल पर सब नोट्स अभी तक के आपको अवेलेबल हैं, तो आप यदि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चैनल का, आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको बुक की पीडीएफ भी मिलती है हर यूनिट की यूनिट वाइज, और साथ में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं इंग्लिश में। यदि आप हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के कई के मैसेज आते रहते हैं कि हिंदी में नोट्स, तो मैंने अभी आपने देखा है पूरा लेक्चर, मैंने एक एक चीज़ को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में बताया है। तो यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो क्लास की हेल्प से हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं, बाकी इंग्लिश में नोट्स आपको मिलेंगे ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, और बाकी लेक्चर का लिंक आपको मिलता है, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं अनसोल्ड पेपर वो भी आपको मिलते हैं, अभी मैंने ऑप्टिक्स का डाला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का भी डालना है अनसोल्ड पेपर। और जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जल्दी हो जाते हैं और है ना, तो उनके पेपर्स
फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, तीनों हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए ज्वाइन करना आवश्यक है, ठीक है जी। और अब हमारी लास्ट यूनिट रह रही है, बहुत छोटी सी यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बुक जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी जो आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि ऑप्टिक्स बुक कराइए, तो मैं सूचना दे चुका हूँ कई लेक्चर्स में कि फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, ठीक है, ये वाली जो बुक है आपकी, जिसे आप मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं, पार्ट बी है ये, ये आपका पेड बैच में चल रहा है। इसके लिए आपकी फ़ीस रखी गई है मिनिमम, और यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क कर सकते हैं, 8755 वाला। तो इस तरीके से पेड बैच में आपकी सेकंड बुक चल रही है, और यहाँ पर यूट्यूब पर आपकी ये फर्स्ट बुक हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये यूनिट के सारे नोट्स भी मैं जल्द प्रोवाइड करा दूंगा पहले ही, ताकि आप थोड़ा बहुत पढ़ सकें, या जिनके जल्दी एग्ज़ाम है वो, है ना, हेल्प ले सकें नोट्स की भी, ठीक है। बाकी तीनों यूनिट के मैंने नोट्स डाल रखे हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से देख लेंगे, तीनों यूनिट्स के कंप्लीट नोट्स। थर्ड यूनिट जैसे कंप्लीट हुई है तो अब उसके दोबारा नोट्स डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बीच में को डाल दिए थे, ठीक है, जो नोट्स हैं थर्ड यूनिट के। और बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।